नमस्कार, मैं हूं प्रणव समर्दीप प्राणवानंद और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर हमलावर होते हुए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मंथन कहां हो, विधानसभा सत्र यूं ही निकल गया, सवाल यूं ही खड़े हैं, यहां तक कि विधानसभा में नियुक्तियों का सवाल भी वहीं खड़ा है। हाँ, इतना जरूर है कि सबने मिलकर 250-250 नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के घोटाले में भी मामला और ज्यादा पेचीदा होते जा रहा है। आगे नियुक्तियों की प्रतीक्षा में बैठे हुए नौजवान हमारी राजनीतिक सोच के शिकार हो रहे हैं। एक ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया कि हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर बुलडोजर फिरा दिया, मगर कई और हाकम सिंह हैं। खैर, प्रतीक्षा करते हैं, मगर सॉल्यूशन तो नियुक्तियां प्रारंभ हो। बच्चे भटक रहे हैं, उनसे नजर मिलाना कम से कम मुझ जैसे व्यक्ति के लिए कठिन हो रहा है। हमारी बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं, एक ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जान दे दी, मगर क्या हम विधानसभा में अपने कर्तव्य को पूरा कर पाए। जनता के सवाल, बेरोजगारी, महंगाई, कुशासन, भ्रष्टाचार, सब ज्यों का त्यों चलता जा रहा है। उस पर विधानसभा कुछ आंसू बहा देती तो लोगों को इतना तो संतोष होता कि हमारे दर्द को समझा गया। खैर, लोकतंत्र रास्ता निकालता है, यदि संसद से नहीं निकलेगा तो सड़क से निकलेगा। जय हिंद।